आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप और आज बहुत ही एक अच्छे मुद्दे पर बात करेंगे हम, रूस पर गिरा स्विफ्ट बम। तो स्विफ्ट बम क्या है, स्विफ्ट का जो रशिया पे कितना नुकसान हुआ है, वो सभी यूरोपीय देश जो एक हो गए हैं उस पर बात करेंगे। तो पूरा लाइव अपडेट है, स्विफ्ट क्या होता है समझते हैं सारी चीजों को। जो रूस पर जो स्विफ्ट बम गिरा है रशिया ने, कितना नुकसान हुआ है इसको, और यूरोपीय देश सारे जो एक हो गए हैं। एक होने का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर रशिया को स्विफ्ट अटैक किया है। स्विफ्ट अटैक क्या होता है भाई, इसमें रशिया का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्या पहले से रशिया से लड़ने के लिए तैयार था या नहीं तैयार था। तो अमेरिका के साथ साथ है ना, ब्रिटेन, कनाडा, इन देशों ने सबसे मिलकर जो स्पेसिफिक अटैक किया है। तो सिस्टम क्या है, ये बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं ना, तो एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, ये स्विफ्ट जो होता है ना, ऐसे समझते हो, देखो ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये स्विफ्ट जो ये कनेक्टिविटी कराता है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, इटली में हुई थी, और सोसाइटी वर्ल्ड बैंक इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। ये वर्ल्ड वाइड बैंक है, वर्ल्ड वाइड जो बैंक को जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जितने भी वर्ल्ड वाइड बैंक है जो वर्ल्ड लेवल पे है उनको सबको एक देश से आपस में जोड़ता है, और ये पैसे ना तो भेजता है ना लेता है, ठीक है ना, ये पैसे जो ओनली कनेक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। अब देखो समझते हैं, रैपिडली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, सस्ते और किफायती दरों पर जो पेमेंट कराता है, ये पेमेंट कराता है सस्ते हो गया, ऐसे समझ सकते हैं इसको। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब जो अमेरिका की कंपनी है, इंडिया में जो व्यापार करती है और देशों में व्यापार करती है, जो पेमेंट आएगा ना यूट्यूब से, जो पेमेंट आता है वो डॉलर में आता है, वो जो यहाँ जो डॉलर है इंडिया में उसको कन्वर्ट कराने के लिए करेंसी चेंज होती है, जैसे मान लिया तो स्विफ्ट कोड मांगता है, तो स्विफ्ट कोड क्या होता है, अकाउंट में बैंक को मांगेगा, वो टाइप करेंगे, जिससे टाइप होता है ये ट्रांजेक्शन इजीली हो जाता है, और ट्रांजेक्शन होने के बाद वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है उसमें जो करेंसी में, इंडियन करेंसी है तो इंडियन करेंसी में होगा, सीधी बात है। स्विफ्ट कोड एक जो मैसेजिंग नेटवर्क है, जो हेडक्वार्टर बेल्जियम में है इसका, शुरुआत जो 1973 में हुई थी, इसमें 11,000 जो बैंक जो इसमें जुड़े हुए हैं, और 200 बैंक 200 देश है इसमें, 200 देश है, 200 देश कंट्री भी इसमें काम है। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं इसके, एक एग्जाम्पल के थ्रू जो समझते हैं इसको, यस बैंक है सपोज करो, मेरा यस बैंक देखो ऐसे है कोई, जैसे ऐसे समझते हैं, स्विफ्ट सर्विस क्या है, ये है इसमें जो ये बैंक है, ठीक है ना, ये आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, एक बैंक की दूसरे, एक कंट्री की दूसरे कंट्री की बैंक से, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो यस बैंक का समझते हैं, भारत में यस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यस बैंक का जो है हमारा वो है मुंबई में, स्विफ्ट कोड है इसका YESBIN BB। तो वाई स्टार्टिंग कोड जो है, बैंक कोड है जो थ्री डिजिट होगी ना, YES हो गया, और दो करेक्टर बाद के हो जाएंगे IN इज द क्या है, कंट्री कोड जो देश का कोड है, और दो बाद के दो करेक्टर जो है वो लोकेशन कोड है कि कहां पे है, ये BN BBB है, ये मुंबई में, इस तरह से ये इसको शो करेगा। तो स्विफ्ट कोड जो बैन कर दिया है, अब जो बैन कर दिया है तो इससे क्या होगा, तो इससे यही होगा कि भी जो जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे, जो उनका व्यापार है वो इफेक्ट होगा सारा, जो यहाँ पे माले प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी, जहां पे इन्वेस्ट किया हुआ था वहां से सबसे पैसा रुक जाएगा, और जहां से आना था वहां से भी रुक जाएगा। अब क्या, अब ये सोचने वाली बात है, ये व्लादिमीर पुतिन जो थे इनको ये पता नहीं थी भाई, इतना बड़ा जासूस है, सब कुछ है, इसको सब कुछ पता है, प्री प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्या है क्या नहीं, अभी तक न जाने कितनी मात्रा में है ना, जो सबसे ज्यादा गैस सप्लाई करता है, सबसे ज्यादा वो ये जो रशिया करता है तो इसी पे डिपेंड है, तो अभी तक सब इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती सारी कंट्री को, लेकिन अब जो बहुत जो हद पार हो गई तो इनको लेना पड़ा, क्योंकि जैसे रशिया जैसे कुछ कंट्री है वहां ठंडी होती है, ठंडी बहुत ज्यादा होगी, गर्म करने के लिए जो गैस चैम्बर का यूज करते हैं, वो गैस के लिए काय पे डिपेंड होंगे, रशिया पे, जब रशिया के लिए भाई रशिया को तुम ये लगा दोगे, सेंसर लगा दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो उन्होंने लगा दिया है, प्रॉपर लगा दिया है, स्विफ्ट कोड से जो विकल्प ढूंढ लिया है रशिया ने भी, क्या इसका पहले ही ढूंढ लिया था विकल्प, कि क्या 2014 में जब ये हुआ था ना, जो क्रीमिया पे कब्जा किया था, क्रीमिया भी जो इसी का यूक्रेन का पार्ट था, तो इस पे कब्जा किया था, तो G8 को जो पहले G8 होता था, जो G8 से बाहर कर दिया था, G7 रह गया फिर, तो क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट था, अब रशिया को समझ में आ गया था कि भी आने वाली प्रॉब्लम है, आज जो 2014 में प्रॉब्लम है वो आगे भी हो सकती है इसके लिए, इसलिए इसका इसने जो ना विकल्प तभी ढूंढ लिया था। तो रशिया ने जो यहाँ का सिस्टम है SPS यानी कि सिस्टम डेवलप कर लिया है, अपना स्विफ्ट जैसा सिस्टम बना लिया बहुत धीरे धीरे, और इसने जो दो देशों को भी जोड़ लिया, लगभग 23 देश इसमें जुड़े हुए हैं रशिया के इसमें सिस्टम में, और 400 बैंक जुड़ी हुई है,
तो रेशियो का 20% ट्रांजेक्शन है ना इसी के थ्रू होता है। हालांकि इफेक्ट तो पड़ेगा पर लेकिन इतना नहीं पड़ने वाला। तो 20% ये पहले से तैयारी सब कुछ करते हैं, टैक्स की पहले से तैयारी की जाती है, जाल बिछा के एक्शन लिया जाता है, ऐसे नहीं कि एकदम किया जाए कुछ भी, बहुत पैसे से प्री प्लानिंग होती है। देखो मैंने समझाने की कोशिश किया है, द टॉप रेशन बैंक ऑफ द बैंडेड फॉर द बैंडेड फ्रॉम द स्विफ्ट पेमेंट बैंक, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ द यूरोपियन नेशंस एग्री टू द ब्लॉक चैटेंस ऑफ एशियन बैंक्स अक्रॉस द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम्स। देखो समझ सकते हो, ये आज की न्यूज है 27 की, जो सुबह 10:49 की है, तो समझ देखो ये, और ये हमारा india.com इस पे है, समझ सकते जाल बिछा के क्या है। अब जो ऐसी अब क्या कर रहा है, चाइना भी ऐसी कर रहा है, चाइना भी रेडी कर रहा है, चाइना जो ताइवान पे जो अपना अटैक करने की कोशिश कर रहा है पूरा, तो उसने भी अपना जो चाइना की तरह अपने व्यापार, जो चाइना और जो रशिया में जो व्यापार होता है वो युआन में होता है, और रूस और चीन के बीच में जो CIPS वो चाइना ने भी अपना जो बना लिया है, चाइना जो अपना ऐसी सिस्टम बना लिया है। देखो ये CIPS तो इसमें जोड़ लिया इसने, ये क्रॉस जो बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम्स, तो इसमें देखो इतने सारे जापान, ये जो जापान, रशिया, ताइवान, सिंगापुर, यूके, साउथ कोरिया, मलेशिया, यूए, जर्मनी, थाईलैंड, तुर्की, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, केनिया, ऐसी इसे सिर्फ दो देश जोड़ लिए इसने भी, कि आने वाले प्रॉब्लम आए, मैं मान्य ताइवान पर अटैक करता हूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह की सेंसेंस लगाने पे। जैसे सपोज करो आज रशिया को नहीं हो रही है, कल को मेरे को भी इफेक्ट ना पड़े इस चीज का, तो इसने बैल कैलकुलेट करके लगाया, सब कुछ लगाया जो रशिया ने, क्रॉस बॉर्डर जो बैंक पेमेंट सिस्टम। तो अच्छा अब जो रशिया को इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये बैल कैलकुलेट करा था रशिया ने पहले की भाई 2014 में ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंसन लगा दिए पहले लगा नहीं देते, पहले जो कंट्री, मैं एक संक्षिप्त में समझाऊं तो इसको, पहले कंट्री एक्शन नहीं ले पा रहे थे कोई भी, जो अमेरिका वगैरह कोई भी कंट्री है, यूरोप कंट्री है, नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब जो हदें पार हो गई हैं तो उन्हें लेना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जैसे जर्मनी वाला देश है, इस तरह के देश हैं जो वो फुली डिपेंड है गैस के लिए, इस पर डिपेंड है, वहां सर्दी होती है, सर्दी होगी तो गैस की चम्बर जलेंगी, गैस की चम्बर जलेंगी तो प्रॉब्लम आएगी, अब ठंड आएगी तो फिर वो कहां से लेंगे गैस, तो गैस के जो है प्राइस राइज कर जाने हैं, ऐसे ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं और भी चीजें ये करता है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ भाई ढूंढेंगे इसका भी अगर ढूंढे कहीं से, तो इसलिए व्यापार होता है। और उन्होंने अपना जो सारे जो ये बैन लगा दिया है, इस पर प्रॉपर बैन लगा दिया, जो भी एक तरह का एक अटैक की तरह है, बॉम्ब अटैक की तरह है, कि मैंने समझाने का कोशिश किया है भाई। और जो अब देखो बात ये आ रही है, एक नाक की बात आ रही है, यूक्रेन कह रहा है कि मैं रुकेगा नहीं, और रशिया कह रहा है कि मैं झुकने का नहीं, ठीक है ना। तो अब ना तो ये रुकने के लिए तैयार, रशिया रुकने के लिए तैयार है, ना ये झुकने के लिए तैयार है, यूक्रेन तैयार है, तो ऐसे में देखते हैं क्या है। देखो क्या है, एक तरह की थर्ड वर्ल्ड वार है। तो यदि वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास मिलता रहे, वो PDF भी मिल जाएगी जब आप चाहोगे तो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। देखो